अकेले महासागर से एक से एक बढ़कर एक मूर्ति निकाल के लाते हैं हमारे ये रोबोटिक आंखें। दिन रात 24 घंटे 24/7 इन दूरबीनों की रचना भी अनूठी है। इनकी आंखें वो सब कुछ देख सकती है जिनके लिए उन्हें बनाया गया। लेकिन एक बड़ी कमी भी है, अंतरिक्ष में रोशनी की इन बाल्टियों का रखरखाव कठिन है और महंगा भी, और कुछ तो किसी रखरखाव के भी परे हैं। मैरीलैंड, अमेरिका, नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर। यहां आज तक की सबसे बड़ी एक अंतरिक्षीय दूरबीन मूर्त रूप ले रही है। हबल से भी 3.5 गुना बड़ा है इसका दर्पण। 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में पसरा और हबल से 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली। एक तकनीकी करिश्मा है इसकी बनावट। सोने की चमकीली परत चढ़ी हुई 18 षटकोणीय छोटे छोटे दर्पणों को एक साथ सजाकर इस दैत्याकार दर्पण को अंजाम दिया जा रहा है। यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची इस दूरबीन को रॉकेट की चोटी पर बैठाकर अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसे मोड़ा और फैलाया जा सकता है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में L2 लैग्रेंजियन पॉइंट पर इसे स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट्स, ये है धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के आपसी खींचतान का नतीजा। पृथ्वी के कक्षापथ के चारों ओर 5 ऐसे बिंदु अस्तित्व में आ जाते हैं जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को काट डालते हैं, एक तरह से त्रिशंकु वाली स्थिति। इन बिंदुओं पर कोई भी पिंड या वस्तु यदि छोड़ा जाए तो वह पृथ्वी और सूर्य के साथ साथ एक अदृश्य तार से बंध जाता है। किसी भी 2 गुरुत्वीय पिंडों के बीच इन लैग्रेंजियन पॉइंट्स का अस्तित्व एक सनातन सत्य है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड किरणों के जरिए अति सुदूर पिंडों की जांच पड़ताल खोजबीन करेगा और ब्रह्मांड के अतीत में झांकेगा। दरअसल इसका मुख्य काम है सृष्टि रचना के शुरुआती रहस्यों को उजागर करना। इस दूरबीन के उपकरणों को बहुत ठंडा रखना जरूरी है। ठंडी बर्फ से भी 220 डिग्री सेल्सियस नीचे, और यही कारण है कि सूर्य के ताप से बचाने के लिए एक टेलीस्कोप के समान विशाल पॉलीमाइड फिल्मों को 5 परतों में इस्तेमाल किया गया। फिल्मों की छाया से दूरबीन और उसके उपकरण हमेशा ठंडे रहते हैं और तरल हीलियम पूर्ण का एक भंडार जरूरी अतिरिक्त ठंडक पहुंचाएगा। अंतरिक्ष यानों का मूल ऊर्जा स्रोत है सूर्य की रोशनी। पृथ्वी व चंद्रमा का चक्कर काट रहे किसी भी अंतरिक्ष यान को इनकी घनी अंधेरी व लंबी परछाइयों से 2-4 होना पड़ता है। कुछ देर के लिए ही सही ये परछाइयां इस ऊर्जा स्रोत में बाधा पहुंचाती हैं। भारी भरकम चार्ज्ड बैटरियां इस दौरान यानों के ऊर्जा स्रोत को बनाए रखती हैं। 15 लाख किलोमीटर दूर L2 लैग्रेंजियन पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ऐसी किन्हीं बैटरियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया यहां तक पहुंच ही नहीं पाती।
विज्ञान व तकनीक में नित नई नई छलांग लगा रही मानव सभ्यता के कानों में एक महाप्रश्न आज भी गूंज रहा है, क्या हम अकेले हैं इस अनंत में या फिर कहीं और भी कोई है हमारे जैसा, हमसे हाथ मिलाने को तैयार? आखिर कहां कहां जीवन पनप सकता है? क्या कहीं शुरुआती दौर में करवटें भी ले रहा है जीव जगत? आइए ढूंढे ग्रहों उपग्रहों के अपने इस लंबे चौड़े परिवार में कहां है ऐसी परिस्थितियां जहां और नहीं तो प्रारंभिक जीवन के ही फलने फूलने का न्यूनतम अवसर उपलब्ध है। बीएम बिरला तारामंडल जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुषमा नरूला आप लोगों को लेकर चलती हूँ एक खोज यात्रा पर। तारों भरी नगरी से परिचय बढ़ाने के साथ साथ हम ऐसी अहम जगहों पर परचम फहराएंगे जहाँ जीव जगत की खोजबीन जांच पड़ताल और बेहतर ढंग से करने के लिए मानव एक दिन अपने कदम स्वयं रखेगा। ग्रहों के क्रम में पृथ्वी ही पहला ग्रह है जिसका एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी और चंद्रमा के इस नृत्य मंचन का परिणाम है ग्रह। वजह है पृथ्वी और चंद्रमा की वही छाया जो अंतरिक्ष यानों के सौर ऊर्जा को बाधित करता है। अनादि काल से ही हम इस धूप छांव के खेल से परिचित हैं। पृथ्वी चंद्रमा से 4 गुना बड़ी है और इसकी छाया भी ज्यादा बड़ी। अमूमन चंद्रमा हल्का सा झुकाव के कारण पृथ्वी की छाया के ऊपर या फिर नीचे से निकल जाता है। कभी कभार चंद्रमा चलता चलता आ ही जाता है पृथ्वी की छांव में। देखते ही देखते घंटे भर में पूरा का पूरा चंद्रमा तांबे जैसी लाल रंगत धारण करता है। खग्रास चंद्र ग्रहण टोटल ल्यूनर इक्लिप्स धूप छांव का वही सनातन खेल। रात की काली चादर ओढ़े धरती से ये ग्रहण पर्व लोग डर और आश्चर्य से देखते हैं। लगभग 2.25 घंटे बाद धीरे धीरे पूर्णिमा की रोशनी बिखेरता पूरा का पूरा चांद दोबारा दमक उठता है रात्रि आसमान में। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों कहानियां गढ़ी हैं ग्रहण के बारे में। इन किंवदंतियों व अंधविश्वासों में जनमानस आज भी जकड़ा हुआ है। कक्षा पथ में उसी झुकाव की वजह से चंद्रमा की छोटी छाया पृथ्वी को अधिकतर समय छू भी नहीं पाती। दिन के आसमान में आग का गोला सूर्य। पश्चिमी किनारे से छिपना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। नीचे धरती पर रोशनी मंद पड़ने लगती है और इधर पक्षियों की चहचहाट जानवरों की आवाजें ऊपर आसमान में अंधेरा ग्रह तारे। दिन में ही मिनट 2 मिनट के लिए तारों की नगरी सजीव हो उठती है। अमावस्या के काले चांद की ओट में ढके पड़े सूर्य की चारों ओर हल्की आभा में उसका प्रभामंडल करौना आंखों में सजोने लायक ये दुर्लभ नजारा। तेज चाल में धरती से दूर हटने लगती है चंद्रमा की परछाई और मिनटों में ही सब कुछ पहले जैसा एक पूर्ण सूर्य ग्रह। तारों से
जान पहचान की लालसा हमें ले आई है किसी गांव या छोटे कस्बे के अंधेरे आसमान में। ऐसे में हल्की से हल्की रोशनी भी आंखों में खटकती है। जून का संध्याकाश उत्तर दिशा में सिर के ऊपर सप्तऋषि मंडल ग्रेट बेयर सात ऋषि आसमान की छाती पर एक बड़े प्रश्न चिन्ह के आकार में अपनी अखंड साधना में लगे शायद उत्पत्ति व प्रलय के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। सप्तऋषि मंडल एक अच्छा जरिया है तारों से जान पहचान बढ़ाने का। आप बुल्हा से क्रतु की तरफ एक कदम बढ़ाएं। कदम जरा छोटा ही है, बस इतना। पांच कदम और चलें। ये है उत्तरी बिंदु के ठीक ऊपर ध्रुव तारा। गौर कीजिए, तारे इससे ज्यादा चमकदार है, लेकिन ध्रुव तारा है बहुत ही खास। उत्तर दिशा का संकेतक अचल अटल। रात्रि आसमान में तारा ही तारों को ढूंढता है। सप्तऋषि के अंतिम चार तारे भालू की पूंछ जरा घूमी हुई, देखिए ऐसे। इसी घुमाव के सहारे आगे चले। ये काफी चमकदार तारा है, स्वाति नक्षत्र ऑक्टुरस। आसपास के तारों को मिलाकर एक हल जोतते किसान की शक्ल उभरती है। ये है बूटस, भारत में भूतप तारामंडल। बेबीलोन वासी इसे पवन देव शूपा के नाम से जानते हैं। धरती और स्वर्ग के बीच पवन देव शूपा का राज। हैरानी होती है प्राचीन सभ्यताओं की आपसी तालमेल को देखकर। हमारे देश में भी स्वाति नक्षत्र के स्वामी वायुदेव हैं। खगोलविदों ने आसमान को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 88 भागों में बांट रखा है, जिसे तारामंडल या कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। भूतप तारामंडल बूटिस उन्हीं में से एक है। स्वाति नक्षत्र के दक्षिण में उसी घुमाव को आगे बढ़ाते हुए चित्रा नक्षत्र स्पाइका कन्या राशि में सबसे चमकदार। चैत्र मास में पूर्ण चंद्र चित्रा नक्षत्र के आसपास दिखता है। विक्रम संवत का पहला महीना है चैत्र। कन्या राशि से पश्चिम में सिंह राशि लियो विलाय आसमान में सचमुच का शेर। इसमें तीन नक्षत्र हैं। अगले पांव पर मघा नक्षत्र, पीठ पर जरा पीछे ये दो तारे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी जनेबोला तक फैली सिंह की पूंछ। हमारे पूर्वजों की कल्पना की उड़ान परी कथा से भी ज्यादा रोचक है। हमारी धरती सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षावर्त में। ये है क्रांति वृत्त एक्लिप्टिक। क्रांति वृत्त पर कुल 12 तारामंडल है, जिन्हें आप राशि कहते हैं। इस पूरे घेरे को राशि वलय के नाम से जाना जाता है। इन्हीं राशियों को पृष्ठभूमि बनाकर सूर्य चंद्र व सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर डोलते हैं। कन्या व सिंह दोनों इसी राशि वलय के भाग हैं। सूर्य लगभग एक महीना हर राशि में गुजारता है। हर एक नक्षत्र के साथ चंद्रमा एक रात बिताता है।
आसमान में ये चंद्रमा की कोठियां ही समझिए। हरिवंश पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की कुल 27 बेटियां थी और वे सभी चंद्रमा की पत्नियां बनी। हर बेटी के साथ दक्ष ने एक कोठी चंद्रमा को उपहार में दी। आसमान में चक्कर लगा रहा चंद्रमा हर नक्षत्र के साथ एक दिन रहता है। सबसे अहम बात यह है कि सौरमंडल के सभी सदस्य सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह आदि राशि चक्र में ही नजर आते हैं। ये राशि चक्र की चौड़ी पट्टी से कभी दूर नहीं जा सकते। अब ग्रहों का हालचाल भी जाने, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, भीतरी ग्रह इंटीरियर प्लैनेट्स और बाहरी ग्रह सुपीरियर प्लैनेट्स। सूर्य के नजदीक बुध और शुक्र भीतरी ग्रह हैं और चंद्रमा सहित पृथ्वी, लाल मंगल, विषम बृहस्पति, वलयधारी शनि, यूरेनस, यहां तक कि नेपच्यून भी बाहरी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य के नजदीक मंडरा रहे दोनों भीतरी ग्रह कभी संध्या काश में तो कभी भोर में नजर आते हैं। ये दोनों सूर्य पहुंचता है उस समय लगभग 3 घंटे तक इसे देखा जा सकता है। फिर कुछ हफ्तों महीनों में नीचे उतर सूर्य की प्रभा में अस्त हो जाता है। चंद दिनों में ही अपना पाला बदल भोर का तारा बनकर पूर्वी क्षितिज पर धीरे धीरे उभरता है। बुध और शुक्र दोनों का ये क्रम चलता रहता है। शुक्र हमारे सबसे नजदीक है और सबसे चमकदार भी। भारत में इसे दैत्य गुरु और रोम के मिथकों व किंवदंतियों में इसे प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना गया। कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे घने वातावरण में मारक सल्फ्यूरिक एसिड का बोलबाला, आग का समंदर शुक्र, आकार में अपनी जुड़वा बहन पृथ्वी जैसा। शुक्र के सीने पर आबाद है ऊंचे ऊंचे पर्वत, सोए हुए महाकाय ज्वालामुखी, बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर्स और दूर दूर तक लावा बहाव के निशान। ये सब बादलों की मोटी परत से ढके हुए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज्वलंत उदाहरण है शुक्र। यहाँ पानी ठहर ही नहीं सकता। तापमान 450 डिग्री सेल्सियस, खौलते पानी से 4.5 गुना ज्यादा और हवा का दबाव धरती से 90 गुना अधिक। जैसे आप धरती पर किसी महासागर में 1 किलोमीटर नीचे खड़े हो। यहाँ चलना फिरना उतना ही मुश्किल, एक हल्का सा झोंका भी आपको जमीन पर लुढ़का देगा। शुक्र की आबोहवा में जीव जगत की कल्पना आसमान में फूल खिलाने जैसा। दो शब्दों में इसे नर्क लोक कहा जा सकता है। हरी भरी धरती को छोड़ हमारे सौरमंडल में कहीं और जीवन के किसी नामो निशान की क्या कोई आशा रखी जा सकती है? मंगल की लाल मिट्टी आज जरूर जगाती है, लेकिन इसके बारे में फिर कभी। अभी अगला पड़ाव रात्रि आसमान का दूसरा सबसे चमकदार ग्रह देव गुरु बृहस्पति, सौर परिवार का भीमकाय सदस्य। विषम बृहस्पति के आगे हमारी पृथ्वी एकदम छोटी बॉनी सी। ग्रहराज बृहस्पति अपनी राजसी चाल में हर एक राशि पर 1 साल राज करता है। सफेद उज्जवल आभा में बृहस्पति धीरे धीरे वृश्चिक राशि की ओर बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन ज्येष्ठा से इसकी दूरी घट रही है। ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा का चांद ज्येष्ठा नक्षत्र
एंटारिस के आसपास रहता है। सन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपनी छोटी सी दूरबीन बृहस्पति पर घुमाई। पहली नजर में ही दूरबीनी आईने ने कमाल कर दिया। झलक उठे छोटे छोटे चार प्रकाश बिंदु बृहस्पति के आसपास। गैलीलियो ने हफ्ते दर हफ्ते नजर रखी इन चारों पर। ये सब बृहस्पति के इर्द गिर्द मंडराते मिले। दरअसल उन्होंने बृहस्पति के चार बड़े उपग्रहों को खोज लिया। आज हम इन्हें गैलीलियन सैटेलाइट्स कहते हैं। आयो, यूरोपा, ग्यानमेड और चौथा कैलिस्टो। ग्रहों का राजा बृहस्पति उपग्रहों का सबसे बड़ा दरबार है। एक लघु सौर परिवार जैसा लगता है। इसके कुल 67 उपग्रह हमने और हमारे अंतरिक्ष यानों ने ढूंढ निकाले हैं और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। आइए चलें जूनो अंतरिक्ष यान की राह पर। हम विशाल बृहस्पति के शाही साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ नजदीक से धूल धक्कर की एक पतली सी बलय भी झलकती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में बृहस्पति के दूसरे बड़े उपग्रह यूरोपा पर कुछ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भाप के फव्वारों का पता लगाया है। हमारे अपने चंद्रमा की धरती पर छोटे बड़े गड्ढों क्रेटर्स की भरमार है। इन गड्ढों की गिनती से चंद्रमा की ऊपरी सतह के कारखाने